हेलो गाइस, सो हियर इज़ एन अपडेट कि बहुत सारे जो टीवाई स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, जस्ट टू बी वेरी स्पेसिफिक, बिकॉज सिर्फ टीवाई की बात नहीं हो रही है, मास्टर्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी बात हो रही है. बिकॉज एज पर टिल नाउ जो हम लोग के पास न्यूज़ है, एज पर दैट न्यूज़ लास्ट जो हम लोग के FY एंड SY के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, लेकिन फाइनल ईयर वाले जो है तो उसमें ग्रेजुएशन लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल दोनों इंक्लूड होते हैं. बराबर है? लास्ट जब मैंने अपडेट दिया था एग्ज़ाम का, उसमें मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन का मेंशन नहीं किया था, लेकिन अभी हम लोग के पास क्लैरिटी है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, मतलब MSc या MCA या MBA जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है. ये अभी तक हम लोग के पास नोटिफिकेशन है. बट फिलहाल के लिए जो हम लोगों का युवा शिवसेना का जो लीडर है उनके साइड से कंटिन्यूअसली UGC को अप्रोच किया जा रहा है. स्टूडेंट्स ऑनलाइन पेटिशन फाइल कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो अगर FY SY का नहीं हो रहा है, तो वैसे ही ये पेंडेमिक में TY स्टूडेंट्स या जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है. तो उसी के ऊपर मैं यहाँ पे आपको अपडेट देने आया हूँ, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे और हम लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको पता चले. सो एज यू कैन सी यहाँ पे फर्स्ट अगर आप देखेंगे, उदय सावंत जो हम लोग के टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर है महाराष्ट्र में, उन्होंने बोला है कि टिल नाउ हम लोग के पास ये है कि एग्जामिनेशन जो है लास्ट ईयर विल बी हेल्ड फ्रॉम जुलाई में, हम लोगों को बोला है. तो मतलब वहां से जो जुलाई मंथ है कंप्लीट उसके अंदर हो सकता है, लेकिन अगर सिचुएशन जो है हम लोगों का अगर वो ऐसे ही रहा जैसे हम लोगों ने मुंबई में देखा, महाराष्ट्र में स्पेशली मुंबई में सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो वो टाइम पे जो हम CM है जो उद्धव ठाकरे है वही आगे डिसीजन लेंगे. और कंटिन्यूअस स्टूडेंट्स के पास से भी ये अप्रोच किया जा रहा है जो यूनिवर्सिटी है एज वेल एज UGC को, कि बहुत सारे कॉलेजेस जो टाइम के पहले ही बंद हो गया. एंड एज वी नो कि जो TY का सिलेबस है उसका हम लोग का कम्प्लीशन डेट जो है ना वो अप्रैल मंथ तक रहता है, 15 to 20 अप्रैल तक नॉर्मली सारे कॉलेजेस चलते हैं, TY के लेक्चर्स होते हैं, लेकिन हम लोगों का कॉलेज जो है वो सडनली बंद हो गया. सो उसकी वजह से जो करंट एकेडमिक ईयर का जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट है बहुत सारे प्लेसेस पे. और उसके बाद में जो बाकी के जो चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज हम लोगों को रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स को फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने के लिए, वो रिसोर्सेज उनके पास नहीं है. वो अपने फ्रेंड से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, अगर किसी ने क्लासेस ज्वाइन किया था वो नहीं जा पा रहे, अगर कोई प्रोफेसर से उनके कॉन्टेक्ट थे वो नहीं हो पा रहे, अलग से अगर कोई बुक्स अभी अगर उनको चाहिए वो नहीं मिल पा रहे. एंड उसके साथ में मेनी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट कंपनीज, वो आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग दैट जॉब्स एज सुन एज द लॉकडाउन इज लिफ्टेड. सो बहुत सारे कंपनीज जहाँ पे उनका सिलेक्शन हो गया है वहाँ पे उनको जॉब पे लगने की बात हो रही है, और वो टाइम पे अगर स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में बिजी रहेंगे तो इट माइट पॉसिबल उनका जॉब जा सकता है. या फिर ये सिचुएशन में जहाँ पे उनके पास प्रॉपरली कोई गाइड नहीं है, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम में अगर वो एग्ज़ाम देते हैं और बाई मिस्टेक अगर वो एग्ज़ाम में वो क्लियर नहीं कर पाते तो उनका जॉब जाने के भी चांसेस है. बिकॉज आज के टाइम पे बहुत सारे घर जो है वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है. एंड फाइनली अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे UGC का रिकमेंडेशन वही बता रहा है, डू नॉट इम्प्रूव, मतलब अगर ये एग्ज़ाम नहीं होता है तो जो पैटर्न अभी हम लोगों ने FY एंड SY स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई किया है वो सिमिलर पैटर्न जो है वो हम लोग लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई करेंगे. वो सेम फर्स्ट पॉइंट पे दिया है, 50% मार्क्स टू इंटरनल असेसमेंट और बाकी के 50% मार्क्स जो है वो आपके लास्ट ईयर के जो मार्क्स है वो उसके बेस के ऊपर आपका फाइनल सेम का भी पता चलेगा. और अगर एग्ज़ाम लेते भी है हम लोग तो अगर चलो FY SY का एग्ज़ाम नहीं लेते, लेकिन अगर TY का एग्ज़ाम होता है तो वो टाइम पे भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर पाएंगे. ऑफकोर्स वो तो एक कॉमन रीज़न है कि आप चलो एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को दूर दूर बिठाते हो, लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में और एग्ज़ाम चालू होने के पहले तो वो एक दूसरे से मिलेंगे, तो अगेन जो एक वायरस का जो स्प्रेड है वो बढ़ सकता है. और उसके साथ में यहाँ पे वही बोला है कि हम लोग अगर यहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म अगर फॉलो कर सकते हैं तो उसी के ऊपर हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे. एंड एज यू कैन सी जो शिवसेना के जो युवा शिवसेना के जो लीडर है उन्होंने भी ये सेम रिकमेंडेशंस UGC को फॉलो किए. और ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ बिकॉज करंटली हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में अगर शिवसेना गवर्नमेंट अगर पावर में है तो अगर उनके साइड से
और जो उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं उनके साइड से अगर कुछ अपडेट आ रहे हैं, मतलब देर माइट बी चांसेस। सो मैं ये न्यूज़ अपडेट इसके लिए दे रहा हूँ बिकॉज जो हम लोग सेकेंड बैच टीवाई का स्टार्ट करने वाले थे फॉर टीवाई बीएससीआईटी 6 सेमेस्टर, तो फिलहाल के लिए मैं वो सेकेंड बैच जो है वो हॉल्ट पे रखूंगा। और जो भी स्टूडेंट्स ने मुझे फीस पे किया है, एक बार हम लोगों का अगर ये डिसीजन आता है कि एग्जाम नहीं हो रहा है तो मैं वो सेम फीस उनको रिफंड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और बाकी अगर ये एग्जाम अगर कंटिन्यू होता है तो नेक्स्ट हम लोग एक नेक्स्ट ऑनलाइन बैच हम लोग कब से स्टार्ट करेंगे उसका सेम मैं यहाँ पे अपडेट दे दूंगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मेरे ईमेल आईडी पे मुझे पिंग कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट टीवाई स्टूडेंट्स, जो भी होगा अच्छा होगा। हम लोग विश करते हैं कि हाँ, अगर सिचुएशन सेम रहता है तो आपका भी एग्जाम नहीं होना चाहिए, मैं भी वही फेवर में हूँ। सो चलिए, ऑल द बेस्ट।